और ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर ग्वालियर में जैल प्रहरी पर अपने भाई और साथियों के साथ हमला कराने वाले गुंडे रिंकू कमरिया को झांसी से क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा में FIR दर्ज की थी। वहीं कुछ आरोपित पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि रिंकू कमरिया फरार चल रहा था। आपको बता दें कि उपनगर ग्वालियर में अवैध वसूली से लेकर जमीनों पर कब्जे और हर तरह के अपराध करने वाला रिंकू कमरिया अगस्त के माह में ग्वालियर आया था। उसने जेल प्रहरी विनोद पारसे पर हमला कराया। जेल प्रहरी पर हमला किया, साहब का केस था। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस आरोपी पे हैं, जिसको हमने पकड़ा है। इसके नतीजे कार्रवाई